हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ नारियल और बेसन की बर्फ़ी बनाने। जिसके लिए इस कप से 2 कप बेसन ले लिया है, 2 कप नारियल का बुरादा है, 2 कप चीनी है, थोड़े काजू और बादाम है। इस पे मैंने 1 कप घी डाल लिया है। घी डाल करके गैस को ऑन कर देंगे, घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें बेसन डाल देंगे और डाल करके इसे मीडियम आंच पे चलाएंगे। बेसन को डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे चलाते रहेंगे। इसका फ्लेम बहुत हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे से घी छोड़ के गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। बेसन लगभग भून गया है, इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए लगातार भूनते रहेंगे। इसे भूनने में अब 1 से 2 मिनट और लगेगा। बेसन अच्छे से भून गया है, इसमें से एक अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे एक प्याले में निकाल देंगे। बेसन को निकाल के प्याले में ठंडा होने देंगे। सेम उसी पैन में नारियल का बुरादा डाल देंगे। ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक, जिससे इसमें एक अच्छी खुशबू आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसे, लगातार चलाते हुए ताकि ये जले ना। नारियल के बुरादे में एक अच्छी खुशबू आ गई है। अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक प्याले में निकाल लेंगे। इसे सेम उसी कढ़ैया में चीनी डाल देंगे और दूध डाल देंगे। मीडियम आंच पे इसकी चाशनी बना लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे इसे। चाशनी में एक अच्छा उबाल आ गया है। अब इसे लगातार कंटिन्यू चलाते हुए एक तार की चाशनी बना लेंगे। जब तक एक तार की चाशनी ना बन जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे। चाशनी लगभग हो ही गया है, इसे होने में अभी 2 से 3 मिनट और लगेगा। इसे लगातार चलाते रहेंगे, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। चाशनी बनकर के बिल्कुल तैयार है। एक बार इसे चेक कर लेते, एक उंगली में थोड़ा सा लगा करके ऐसे उठा रहे तो एक लंबा तार उठ रहा है, तो चाशनी तैयार हो गई है। अभी गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें बेसन डाल देंगे। बेसन डाल के नारियल का बुरादा डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, अब इसमें काजू और बादाम डाल देंगे और 1-2 चम्मच घी डाल देंगे। घी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके चलाते रहेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने तक चलाते रहेंगे। अब इसे एक थाली में निकाल करके जमा लेंगे। थाली में अच्छे से घी लगा करके ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम हमारे बेसन की बर्फ़ी को जमा लेंगे। बर्फ़ी को अच्छे से थाली में फैला दिया है। अब इस पर थोड़े से काजू बादाम ऊपर से डालेंगे। चाहे तो नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं, या तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। थोड़ा सा इस पर अच्छी तरीके से डाल के चम्मच की सहायता से थोड़ा सा दबा दें ताकि ये इसमें अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे जमने तक हवा में छोड़ दें। सन और नारियल की बर्फ़ी अच्छे से जम गई है। अब इसे चाकू की सहायता से बर्फ़ी का शेप दे दें। बेसन और नारियल की बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। ये बहुत हेल्दी एंड बहुत टेस्टी है। एक बार इसे ज़रूर घर में बना करके ट्राई करें, आप मार्केट से लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। ये बहुत कम सामान में और बहुत आसानी से बन जाता है।
तो एक बार इसे बना करके ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।